अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, फूड ब्लेंडिंग में खुश आमदी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पीटा ब्रेड सैंडविच, और इसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं वो दो हिस्सों में लिए हैं। एक तो मैंने यहाँ पर फिलिंग के लिए लिए हैं, यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले ली है और तकरीबन 4 स्लाइस लिए हैं, इतने बड़े बड़े मैंने यहाँ पर। इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने 1 टेबल स्पून चेरी हॉट चेरी सॉस ली है यहाँ पर, और नमक ली है 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च ली है 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई, और लहसुन पाउडर भी 1/2 चाय का चम्मच लिया है, और अदरक पाउडर भी 1/2 चाय का चम्मच लिया है। और यहाँ पर फिलिंग के ही लिए हमने 1 कप बंद गोभी ली है बारीक कटी हुई, और चिली गार्लिक लिए है जो हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, और बता देंगे आपको कि हमने कितनी यूज़ की है। यहाँ हमने ब्रेड बनाने के लिए जो है 2 कप मैदा लिया है, और इसके साथ ही हमने 1 खाने का चम्मच ईस्ट लिया है, 1 खाने का चम्मच शुगर ली है, और यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, और 1/2 चाय का चम्मच हमने नमक लिया है। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे, और यहाँ हमने पानी लिया है डो बनाने के लिए। एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर ये मैदा डाल लेंगे, साथ ही नमक भी डाल देंगे हम, ईस्ट, शुगर और ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और इसे भी हम चिकन को भी हम तकरीबन 1/2 घंटा के लिए मैरिनेट करके रख देंगे साइड पर। और यहाँ देखें 1/2 घंटा हो चुका है, हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ये फ्राई पैन में डाला है, और इसके अंदर हम चिकन के स्लाइस रख देंगे जो हमने मैरिनेट किए थे। और इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह से कवर करके एक साइड से पकाएंगे, और उसके बाद पलट देंगे। जी 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम देखते हैं और इसे पलटते हैं। जी यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पे, दोनों साइड से ये हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसका बारीक बारीक रेशा कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसका हमने रेशा कर लिया है, ये बिल्कुल गल चुकी थी 10 मिनट में। अब हम इसके अंदर चिली गार्लिक मिलाएंगे। और साथ ही हम 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च मिलाएंगे, और इसी के साथ हम हस्बे जायका या 1/4 चाय का चम्मच नमक मिलाएंगे, और साथ ही हम यहाँ पर 1/2 कप बंद गोभी मिलाएंगे। और ये हमारी बड़ी ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है, और टॉपिंग के लिए जो है हमने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ले लिए हैं यहाँ पर हमने हस्बे ज़रूरत, और यहाँ हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर जो स्लाइस में काट लिया है। इसे हम साइड करेंगे, और तकरीबन डो जो है हमारी अच्छी बेहतरीन हो चुकी है।
2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम ब्रेड बनाएंगे। ये देखें आप कितना जबरदस्त सा फूल चुका है। अब हम हाथ में ऑयल लगा के इसे दोबारा से इकट्ठे कर लेंगे एक जगह। और इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। ये देखें आप, ये 2 बन चुके हैं हमारे पास। तो एक को हम साइड पे रखेंगे। और इसे बिल्कुल गोल करना है हमें। और अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और हम आराम से इसके अंदर फैला लेंगे और हाथ की मदद से इसे राउंड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल गोल सी हो जाए। दोनों ब्रेड इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम बिल्कुल धीमी आंच पर इसे चूल्हे पर रख देंगे। 5 मिनट हम इसी तरह कवर करके रखेंगे, इतने हम चूल्हा जलाते हैं और उसके बाद इसे रखेंगे। और ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, ये दोबारा से अपनी जगह आ चुका है, थोड़ा थोड़ा फूल चुका है। अब हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पे चूल्हे पे रखेंगे। आप अपने चूल्हे के हिसाब से रखिएगा धीमी आंच करके, मैंने अपने हिसाब से रखा है। और इसे 3-4 मिनट एक तरफ से कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, 4-5 मिनट, और अब हम देख लेते हैं। जी ये हो चुकी है। अब चूल्हे की आंच तेज करेंगे हम थोड़ी सी, क्योंकि ये ऐसे हो चुकी है हम इसे पलट सकें। ये देखिए जबरदस्त, और बहुत अच्छी सी फूल भी गई है हमारे पास। ये बेहतरीन डो बनी थी हमारी। अब हम फिर से 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त कलर आ चुका है इसका। तो हम दूसरी ब्रेड भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी ब्रेड भी तैयार हो चुकी है एक साइड से। अब हम इसे पलटेंगे और अब हम इसे उतार देंगे। जी और अब हम इस पे चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी। और जो फिलिंग तैयार की है वो इसके ऊपर बिछा देंगे।
और अब हम इसे धीमी आंच पर तकरीबन 10 मिनट बेक करेंगे। और ये देखें आप 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकालेंगे। और अब बड़ी छुरी की मदद से हम इसे काट लेंगे आराम आराम से। ये अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, तो कैसे लगे आपको आज के पीटा ब्रेड सैंडविच? उम्मीद करती हूँ कि ये पीटा ब्रेड सैंडविच आपको पसंद आएंगे। आप बनाएं, बहुत मज़ेदार होते हैं ये, और हमने इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम यूज़ किए हैं, तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और जो चीज़ है वो इसका मज़ा जो है वो दुबाला कर देता है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।